एक रात ये दोनों जंगल से गुजर रहे थे, तभी आसमान से एक बड़ा सा एलियन शिप धरती पर गिर जाता है। तो ये दोनों उसे देखने जाते हैं, मगर एलियन इनको आंख दिखाता है, जिससे इनकी जान मुट्ठी में आ जाती है। अगले ही दिन उस एलियन को अमेरिकन आर्मी घेर लेती है और अमेरिका का दलाल नहीं चाचा प्रेसिडेंट है वो, और ये आकर एलियन को धूम मचाने का गाना सुनाता है। तो एलियन उसका पियानो तोड़कर कहता है चला जा भूतनी के, दोबारा दिख मत जायो, और उन पर हमला कर देता है। तो प्रेसिडेंट बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलकर भागता है और आर्मी भी उस एलियन पर अटैक कर देती है, पर इससे एलियन पर कोई असर नहीं होता। तो प्रेसिडेंट अपने सिंडी मिंडी के साथ मीटिंग करता है और अगले ही दिन 100 फुट की लड़की के साथ कुछ मॉन्स्टर को उस एलियन से लड़ने के लिए भेज देता है, पर ये लड़की तो एलियन को देखते ही, लेकिन ये एलियन तो उस लड़की के पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि इस लड़की पर एक उल्कापिंड गिर गया था, जिससे इसमें बहुत सी शक्तियां आ जाती है और इसकी हाइट भी बढ़ जाती है। तभी ये एलियन ब्रिज पर आकर उस लड़की को पकड़ने लगता है, पर इतने में एक और मॉन्स्टर आकर उस एलियन से लड़ने लग जाता है, और कॉकरोच भी मौका देखते ही उस एलियन के शिप में घुस जाता है और कहता है तू तो गया बेटे, फिर उसके दिमाग के तार छेड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ब्रिज उसके ऊपर, जिससे इस बेचारे की तो बत्ती गुल हो जाती है। फिर ये सभी मॉन्स्टर भी देश के हीरो बनकर नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाएंगे।